नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। और अभी हम मिश्रौलिया चौक पर हैं और एक ऐसे कलाकार को हम अपने सामने पेश कर रहे हैं जो बिहार के नगर परिषद चुनाव और मोतीपुर नगर परिषद चुनाव में अपनी भागीदारी दे रही हैं। और खास करके लड़की हैं, बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं है, लेकिन इनकी एक एक शब्द जो है दिल को छू जाने वाली है। क्या कहिएगा, क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य बस इतना है कि जो पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार इस मोतीपुर को खा गई है, यहाँ पे रहने वाले लोगों को कुछ सुविधाएं नहीं मिली है, वो इस बार आने वाले 5 सालों में मिले, हम तो बस यही चाहते हैं। मेरे कैमरे पर आपने बहुत अच्छा बोला कि क्यों, क्या क्या बोलती गई हैं, थोड़ा सा एक बार और बोलिए कि हमारे दर्शक जो है आपके सुर को सुने और कमेंट में जरूर लिखे आपके लिए। अब हम क्या है, हमारा तो काम है, हम तो बस हम अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने खुद देखा है कि इनके पिताश्री स्वर्गवासी शशि कुमार राय जी ने यहाँ के लोगों के लिए कितना काम किया है। और पिछले 10 साल में वो भ्रष्टाचार उस कामों को खा गई है, तभी तो सड़कों का ये हाल है, लाइट नहीं है, लोगों की शिक्षा नहीं मिल रही बच्चों को। अब हमारी तो चाहत ये है कि बस दोबारा हम सभी के प्यारे कुमार राघवेंद्र राघव जी आए और इस मोतीपुर को बचाए, इस मोतीपुर का जो हाल बेहाल हो गया है उसे दोबारा से सकारे और यहाँ पे लोगों को अच्छे से और अच्छे से चीजें मिले। ताकि की अदालत में पहुंच चुका हूं मिश्रौलिया चौक पर और जनता की राय को भी जानने का प्रयास कर रहा हूं। कैमरामैन कैमरा घुमाइए, क्या कहिएगा, चाचा श्री मोतीपुर बदलाव होगा या नहीं होगा? हाँ, मोतीपुर बदलाव होगा, फाइनल कहा जाएगा मोतीपुर के भैया के हाथ में जाएगा। 100% से रहे, 100% राघवेंद्र भैया इसमें सवाल बोलेंगे। फाइनल किस पर गिरेगा, किस पर गिरेगा? मोतीपुर के यहाँ के लोग माफ हुए। हाँ हाँ एकदम। तो 9 तारीख को क्या आप लोग टमटम छाप पर रवाना है? यहाँ के लोग नहीं खोला है। तो सबसे बड़ी बात है कि पूरे नगर परिषद मोतीपुर में राघवेंद्र के समर्थक और मतदाता जो है निर्भीक होकर और भावमुक्त होकर हमारे कैमरे पर बोल रहे हैं कि राघवेंद्र भैया जिंदाबाद, सवाल इनका वोट है और ये जिसको भी दे। लेकिन मैं तमाम जितने भी मोतीपुर नगर परिषद के मतदाता हैं, मैं उनसे जरूर अनुरोध करूंगा कि मुर्गा नहीं खाना है, दारू नहीं पीना है, किसी का 500 रुपया नहीं लेना है, ताड़ी नहीं पीना है। यदि अगर आप लोग एक दिन किसी का मुर्गा खाइएगा पूरे परिवार के लोग, तो वह पूरे 5 साल आपके पूरे बच्चे को मुर्गा बना बना के खाएगा। आपको रिजल्ट तय करना है, कहिएगा क्या चाहते हैं आप लोग। नगर परिषद में जो राघवेंद्र राघव किटू जो खड़ा है वो मोतीपुर का इतिहास लिखा जाएगा। हाँ। और सबसे अधिकतम वोट से उनको जिताया जाएगा। हाँ। जो आज तक जो जितने वोट से नहीं जीते हैं। हाँ। उससे अधिकतम वोट से उनको जिताया जाएगा और इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ शुभम यादव। शुभम यादव जी, मैं और भी जनता जनार्दन से पूछने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जनता मालिक है इस देश की और ये जनता है, जनता जो कहेगी वही होगा। कहाँ के हैं? दूसरे पंचायत के हैं। कहाँ के हैं सर? नगर परिषद के हैं। हाँ हाँ। क्या लगता है मोतीपुर नगर पंचायत नगर परिषद का चुनाव? नगर परिषद का चुनाव तो बहुत ही अच्छा है। हाँ। और इस बार बदलाव का माने माहौल है। हाँ। बदलाव होना जरूरी है। क्या सोच रहे हैं? बदलाव होना जरूरी है। और राघवेंद्र जी जो हमारे शशि बाबू के पुत्र हैं, हम लोग उनके साथ हैं। तो जनता की रिपोर्ट है, जनता की अदालत है, क्या कहेंगे? राघवेंद्र यादव जिंदाबाद, राघवेंद्र यादव जिंदाबाद। क्या नाम हुआ आपका? राघवेंद्र राजा। तो देख रहे हैं कि राघवेंद्र के समर्थक खुल कर बोल रहे हैं कि राघवेंद्र यादव जिंदाबाद। और पूरे मोतीपुर में 11-11 की टीम खड़ी है, लेकिन कोई जो है किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा सिवाय राघवेंद्र का। क्या
नगर पंचायत को अगर विकास की ओर ले जाना है तो राघवेंद्र भैया को ही चुनना होगा, टमटम पे मोहर लगाना होगा। क्या गारंटी है उनके व्यक्तित्व की? गारंटी है व्यक्तित्व की गारंटी है 100% 100% ताली बजा दीजिए इनके नाम पर कि इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व पर गारंटी है कि नगर परिषद विकास की तरफ जाएगा और अगर नगर परिषद को बचाना है तो राघवेंद्र को लाना है। मैं जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि अपने अपने मताधिकार का सही लोगों के साथ प्रयोग करें, आप स्वतंत्र हैं और भय मुक्त नगर परिषद का निर्माण करें। तो देख लीजिए वही ये वीर अभिमन्यु है, जब इनके आने से मोतीपुर नगर परिषद भय मुक्त हो गया है और कैमरे पर तमाम क्षेत्रों में हमारे कैमरे पर लोग बोल रहे हैं राघवेंद्र राघो जिंदाबाद, क्या जादू आपने किया सर। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को प्यार और आभार, और यहाँ जो जितने भी लोग हैं उनका प्यार ही है, जो पिछले 1.5-2 सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ और उसका आशीर्वाद देने के लिए लोग तैयार हैं। यही आशीर्वाद आप चारों तरफ जन सैलाब के रूप में देख रहे हैं। हमको तो लगता है कि मोदी जी उधर दिल्ली में हैं और यहाँ नगर परिषद में आप हैं, कि आपने एक आवाज उठाया और पूरी नगर परिषद के लोग आप पर दीवाना हो गया, हालांकि बहुत ज्यादा सुंदर भी नहीं है आप। बहुत बहुत बड़ी बात आपने कर दी, मोदी जी से तुलना कर दी जी। मैं लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जिस प्रकार मैं मेहनत कर रहा हूँ आने वाले 5 सालों में भी मैं वैसे ही मेहनत करता रहूँ। फाइनल बात है ना, एकदम फाइनल। मोतीपुर नगर परिषद में बहुत बच्चे बहुत परिवार आज भी जिल्लत की जिंदगी जी रही है, उनके लिए क्या करेंगे आप? मैंने सबसे पहले यही बोला था कि अगर कोई मेरे से पूछता है कि आप मोतीपुर में सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, तो मेरा हर एक बार जवाब है कि मोतीपुर को मैं भय मुक्त बनाना चाहता हूं। ताली बजा दीजिए एक बार। दूसरा क्या करेंगे सर? दूसरा जो होगा मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं उन पे फोकस करना। सबसे बड़ा जो समस्या है एक नगर का वो आवास का है। नगर का जो विकास होगा वो पक्का आवास बनने से ही होता है। तो मेरा मैं एक नारे के साथ चल रहा हूँ, सबको आवास और सबको सम्मान। तो सम्मान के बारे में तो मैं बता ही दिया था, आवास भी मेरा प्राथमिकता होगा और उसमें भी जिनकी झोपड़ी है उन्हीं को मिलेगा इंदिरा आवास। जो मेरे समर्थक है 2 मंजिला वाले उनको नहीं दूंगा मैं आवास। एक बार निष्पक्ष बोलने के लिए ताली बजाइए कि राघवेंद्र राघव ने कैमरे पे कहा है कि अगर हम आते हैं तो न्याय करेंगे, मेरे समर्थक भी अगर 2 मंजिल मकान बनाए हैं तो उनको पीएम आवास नहीं मिलेगा, पीएम आवास तो उसको मिलेगा जो उसके लायक है, चाहे वो मेरा विरोधी हो चाहे मेरा समर्थक हो। एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि पिछले 1 सालों से चुनाव जीतने के लिए आवास का कार्यादेश वर्क ऑर्डर लॉलीपॉप की तरह बांटा जा रहा है। कुछ लोगों के खाते में 50,000 रुपए भी डाला गया लेकिन वो सब लॉलीपॉप है, क्योंकि सरकारी सुविधा है उसमें जब सत्ता ही खत्म हो चुका था, जब विघटन हो गया था तो किसी जनप्रतिनिधि का कोई हाथ नहीं था, वो सरकार के द्वारा पहुंचाया हुआ वो डायरेक्ट लाभ है, उसमें किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई हाथ नहीं है। तो मैं सभी से अपील करूंगा जिनके खाते में 50,000 आए हों वो अपने आप को किसी का ऋणी न समझे, वो सरकार के दिया हुआ फंड है और जब वोट करे तो उस आवास के बारे में ना सोचे, क्योंकि वो आवास बिहार सरकार भारत सरकार की तरफ से आपको मिला है, न कि किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा दिया गया। यानी कुल मिलाकर ये प्रलोभन दिया गया और प्रलोभन भी जो है उन्हीं के हक को देकर किया गया है, उन्हीं के हक को उन्हीं का माल उन्हीं को पकड़ा के और वोट आसान लाभ दिया गया है। तो मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप जो है इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अगर आपके अंदर खून में गर्मी है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रत्याशियों के बारे में जरूर लिखेंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।